मायसेल्फ डॉक्टर आनंदपाल से कुशवाहा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। होम्योपैथी फार्मेसी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फॉर्मूला इज C12H22O11H2O। सोर्सेज गॉड्स मिल्क। गॉड्स मिल्क से प्रिपेयर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स मिल्क कंटेंट क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट्स, लैक्टोज, मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर्स। सो आफ्टर गॉड मिल्क कलेक्शन इसे हम स्कीमिंग प्रोसेस से स्कीम्ड करते हैं। सो स्कीम करने पे ये गॉड मिल्क टू पोर्शन में डिवाइड होता है, फ्लूट पोर्शन और लैक्टो फ्लूट पोर्शन जिसमें होता है लैक्टोज और H2O, और सॉलिड पोर्शन होता है जिसमें होता है प्रोटीन, सॉल्ट एंड मिनरल्स। देन अब इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं HCl, डाइल्यूट HCl। HCl ऐड करने से इसके अंदर का सॉलिड पोर्शन रिमूव हो जाता है और फिर हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर कर लेते हैं। सो फाइनली हमारे पास में लैक्टोज प्लस H2O है जिसे हम वे बोलते हैं, WHEY वे, ये हमारे पास फिल्ट्रेट के रूप में बचता है। देन इसके अंदर हम लोग प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं। देन हम इसके अंदर अगेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग चारकोल बेड का यूज करते हैं। सो लैक्टोज प्लस H2O जो वे होता है, वो वे अब यहाँ से फिल्टर होने के बाद में क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट इसे हम लोग डायरेक्ट हीट पे हम इसे बॉइल्ड करते हैं। देन इस क्लियर सॉल्यूशन को हम लोग सेमी सॉलिड बनाते हैं। देन इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं 3-4 टाइम बाय एडिंग प्यूरिफाइड वाटर। सो फाइनली हमारे पास में सेमी सॉलिड लैक्टोज बच जाता है। अब इसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कोहल ऐड करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं, बॉइल्ड इन डायरेक्ट हीट दी डायरेक्ट हीट एंड इनडायरेक्ट हीट विद दी हेल्प ऑफ हॉट एयर या और विद दी हेल्प ऑफ वाटर बाथ। सो यहाँ पे हम लोग सेमी सॉलिड व्हीकल को हम लोग विद दी हेल्प ऑफ वाटर बाथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीट देते हैं यहाँ पे। सो फाइनली हमारे पास में लैक्टोज क्रिस्टल्स बचता है। अब इस लैक्टोज क्रिस्टल में हम थोड़ा सा एल्कोहल यहाँ पे ऐड करने के बाद थोड़ा सुखाते हैं तो हमारा प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज बच जाता है जिसे हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं विद दी मोटर एंड पेसल। सो प्योर पाउडर ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क हमारे पास बच जाता है। सो ये हमारी शुगर ऑफ मिल्क की प्रिपरेशन पूरी हुई। अब इसके बाद में प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क को हम लोग स्टाफ प्रोसेस भी बोलते हैं। ये एग्जाम में 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो किसने इन्वेंट किया? तो जॉन अन्स स्टाफ ने इसे इन्वेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 450 ग्राम कॉमर्शियल लैक्टोज के क्रिस्टल्स लेने होते हैं जिसे हमें डिजोल्व करना होता है 2 लीटर ऑफ बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर इन क्लियर फ्लास्क में हमें डिजोल्व करना होता है। 450 ग्राम कॉमर्शियल लैक्टोज को हमने डिजोल्व किया 2 लीटर ऑफ बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर में। देन हमें इस मिक्सचर को इन हॉट स्टेज फिल्टर करना होता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो हमारे पास में फिल्ट्रेट मिक्सड विद जो भी हमारा फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर अगेन पहले हमने 2 लीटर प्यूरिफाइड वाटर ऐड किया। अब हम यहाँ पे उसी फिल्ट्रेट में 2 लीटर एब्सोल्यूट एल्कोहल ऐड करेंगे। देन उस पूरे पूरे फ्लास्क को हम लोग एक टाइट कंटेनर में टाइटली क्लोज करके 3-4 डेज के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट में हम लोग रख देते हैं। आफ्टर 3-4 डेज थिन लेयर ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द लैक्टोज जो बचते हैं हमारे पास में विल बी डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। जो फ्लास्क रहता है उसके बॉटम में क्रिस्टल्स रह जाते हैं। उन्हीं क्रिस्टल्स मास को हम कलेक्ट करते हैं, वॉश्ड करते हैं इन प्यूरिफाइड वाटर, उसके अंदर हम एल्कोहल ऐड करते हैं और आफ्टर एडिंग एल्कोहल दिस क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाई प्रोसेसिंग बिटवीन द फिल्टर पेपर। हम इसे ड्राइड करते हैं एक फिल्टर पेपर के अंदर इसे प्रेस करके। सो हमारे पास में प्योर शुगर ऑफ मिल्क हमारे पास बच जाता है पाउडर जिसे हम कैप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर में रख देते हैं यूज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगेन इसे हमें समराइज करते हैं। शुगर ऑफ मिल्क का केमिकल फॉर्मूला लिखना है हमें, सोर्सेज, देन गॉड मिल्क का हमें पूरा पूरा फ्लो चार्ट मेंशन करना है, देन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हमें स्टाफ प्रोसेस वहां पे मेंशन करना है। थैंक यू।